हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना नया ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने इतने दिन तक ब्लॉग इसलिए अपलोड नहीं किया था, इसलिए शूट नहीं किया था क्योंकि मैं अपने मायके गई हुई थी। क्योंकि आप सब लोगों को तो पता ही है, राखी का त्यौहार था, तो मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो वहाँ मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वहाँ मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह नहीं रहता है और यहाँ से कैरी करके लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं वहाँ ये सब लेके नहीं गई थी। और मैंने कुछ राखी के वीडियोस वगैरह बनाए थे लेकिन वो इतने अच्छे नहीं बन पाए थे, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किए। तो अब मैं अपना नया व्लॉग शूट कर रही हूँ। आज है 16 अगस्त, तो मैं कल रात को ही यहाँ पे वापस आ गई थी अपने घर पे। और अभी मम्मी और पापा घर पे नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं, तो वो भी शाम तक आ जाएंगे। और 2 दिन से वो घर पे नहीं थे, तो घर भी हस्बैंड के भरोसे था और पूरा ही बिखरा भी पड़ा हुआ है। किचन वगैरह सब उथल पुथल उन्होंने कर रखा है, तो वो सब मुझे आज करना पड़ेगा। मैं भी वहाँ से लेके आई हूँ, तो ये सब मेरे बैग वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं क्योंकि मैं रात को आई थी और मेरे थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो मैंने कुछ भी सही नहीं किया और मैंने सब ऐसे ही रख के मैं सो गई थी। तो मेरे रूम की ये हालत अभी हो रखी है। और ये निया भी मेरी उठ गई है, हाय कर दे निया। अब मैं सबसे पहले तो मशीन लगाऊंगी क्योंकि हस्बैंड के भी 6-7 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं। मैं नहा धो के रेडी तो हो गई हूँ। अब सबसे पहले मैं सारे ही कपड़े जो भी वॉश करने के हैं सारे इकट्ठे करूँगी और उसके बाद मैं मशीन लगा दूँगी, उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक बाल्टी में सारे ही जो कपड़े मेरे धोने के हैं वो सब इकट्ठे कर रही हूँ। कुछ कपड़े मेरे बैग में भी रखे हुए हैं, तो वो भी मैं निकाल के बाल्टी में रख दूँगी। और ये इधर देखिए, इस न्यू को पता नहीं किस बात का इतना मज़ा आ रहा है। मेरे हस्बैंड के तो पूरे 7-8 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे। 6 टी-शर्ट थी उनकी, 3 पेंट थी, ये सारे ही धोने थे। तो अब मैं मशीन लगाऊंगी तो सारे ही एक साथ धो दूंगी। तो जो मेरे बैग में रखे थे कपड़े वो भी मैंने निकाल दिए हैं, तो सारे ही कपड़े मैंने बकेट में भर दिए। उसके बाद में ये जो मेरे बिस्तर थे, चद्दर्स वगैरह, ये सब मैं समेट के और इनकी जगह पर रख रही हूँ। और मैं डस्टिंग कर दूँगी और ऊपर की झाड़ू वगैरह मैं लगा के फिर मैं नीचे चली जाऊंगी और फिर नीचे का काम करूंगी। तो मैं अब पहले किचन में झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद मैं बनाऊंगी हमारे नाश्ते के लिए पोहा। ये देखिए किचन की क्या हालत हो रखी है। कल तो हम लोग थोड़े लेट आए थे और उसके बाद मैं बहुत थक गई थी इसलिए सो भी गई थी। तो किचन भी पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, बाहर हॉल में भी इतना बिखरा हो रहा है। लेकिन ये सब मैंने रात को नहीं किया था और अब मैं ये सब करूँगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, सबसे पहले झाड़ू लगा के और उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी छान के और पहले मैं नाश्ता बना दूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को शॉप पे जाना है। तो पहले नाश्ता बना के हम लोग नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। अभी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है और मशीन अभी भी मेरी नहीं लगी है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि पहले नाश्ता बना दे, मुझे शॉप पे जाना है। तो पहले फिर मैं किचन में आ गई, पहले मैंने किचन में झाड़ू वगैरह लगा, थोड़ा सा पानी छान के फिर मैंने पहले पोहे बना दिए और फिर हमने नाश्ता कर लिया। उसके बाद अब मैं सारा काम करूँगी। किचन की हालत तो बहुत ही ख़राब हो रखी है, तो पहले मैं मशीन में कपड़े डाल दूँगी और मशीन चला दूँगी। उसके बाद मैं किचन पहले अपना क्लीन कर दूँगी, उसके बाद मैं दूसरी क्लीनिंग करूँगी। तो अब मैं लगा रही हूँ पहले मशीन। तो मेरे जो हस्बैंड के टी शर्ट्स हैं उनको मैं उल्टा करके मशीन में डालूँगी क्योंकि ये
सीधे ही अगर मैं डालती हूँ तो इनके ऊपर रोए रोए से लग जाते हैं, इसलिए मैं इनको उल्टा करके उसके बाद ही मशीन में डालती हूँ। और देखिए मैंने अपना हेयर कट भी करवा दिया है, तो मेरा ये न्यू हेयर कट आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मशीन लगा के और फिर किचन में आ गई हूँ, तो जो भी ये किचन के प्लेटफॉर्म पर बिखेरा पड़ा हुआ है वो सब मैं पहले समेट रही हूँ। जो बर्तन धोने के हैं उन्हें मैं सिंक में डालती जा रही हूँ, और जो बर्तन मम्मी धो के और इस बर्तन स्टेन में रख के गए थे उनको पहले मैंने खाली करके जमा दिया। और मोस्टली मेरा ये सारा बिखरा समेट में लिया है मैंने। और अब मैं ये पापड़ मेरे मायके के वहाँ पास में कोई बनाता है तो वहाँ से मैं लेके आई थी, तो एक पैकेट मैं फ्रिज में रख दूँगी खोल के और बाकी का मैं स्टोर में रख दूँगी। और ये देखिए ये कपकेक मेरे देवर दियों के लिए लेके आए थे, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया तो मैं इनको फेंक दूँगी, और ये दही भी ख़राब हो गया। तो ये किचन तो मैंने लगभग समेट दिया है, इतना सारा बिखरा किचन में हो रखा था, मैंने पहले सारा ही क्लीन किया, जो उठने जैसा लगा वो मैंने अंदर रख दिया, और जो मुझे डिस्कार्ड करना था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद देखिए इतने सारे बर्तन सिंक में इकट्ठे हो गए हैं, और ये 3 दिन पुरानी सब्ज़ी है जो मम्मी इनके लिए रखे गए थे, इन्होंने खाई नहीं, और ये रखी हुई थी इन्होंने फेंकी भी नहीं, और बिल्कुल ये सब्ज़ी ख़राब हो गई है। तो ये सब मुझे फेंक के और सब साफ़ करना पड़ेगा। देखिए इतने सारे बर्तन हो गए हैं, ये जो तांबे के घड़े हैं ये भी मुझे क्लीन करने हैं। और ये देखिए हॉल में पूरा इस निया ने थोड़ा मैंने समेटा था और इस निया ने फिर से इसके टॉयज़ वगैरह बिखेर दिए। तो अब मैंने जब तक अंदर काम किया तब तक मेरे कपड़े भी वॉश हो गए हैं, तो अब मैं इन्हें ड्रेन कर दूँगी। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ डस्टिंग, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आ गई हूँ आगे वाले रूम में, और इसमें कुछ पापा के सामान पड़े हैं तो वो सब मैं उनका ये बैग रखा था उसमें उन्हीं के सामान थे तो वो सब उसी में मैंने रख दिए, ताकि वो देख लेंगे कि कौन सा काम का है और कौन सा नहीं। तो उसके बाद मैं सारा फर्नीचर वगैरह क्लीन कर दूँगी, सोफ़े भी क्लीन कर दूँगी, और फिर मैं निकालूँगी झाड़ू। ऐसे ही लाइन टू लाइन और एक एक जगह का मैं काम करती जा रही हूँ, और एक एक जगह मेरी क्लीन होती जा रही है, एक एक रूम क्लीन होता जा रहा है। तो मैंने सबसे पहले आगे वाले रूम में, फिर पीछे वाले रूम में, और अब मैं हॉल में आ गई हूँ। हॉल की मैं डस्टिंग कर रही हूँ, यहाँ पे भी इस दीवान के ये कवर्स वगैरह सब अच्छे से मैं झटक के और फिर साफ़ करके फिर से इन्हें बिछा दूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो इस तरह से जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे लग रहा था कि किससे मैं करूँगी, लेकिन जैसे जैसे मैं काम करती गई वैसे वैसे काम ख़त्म होता गया और पूरा ही घर अच्छे से क्लीन मेरा हो गया था। इस तरह से पूरे नीचे के फ्लोर पे मैंने झाड़ू लगा दिया है, और देखिए कितना सारा कचरा निकला है। मुझे लग रहा है कि मेरे हस्बैंड ने 2 दिन झाड़ू लगाया ही नहीं होगा, इसीलिए अंदर की सफाई तो मेरी मोस्ट ऑफ हो गई है, पोछा बाकी है, लेकिन बाहर तो देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, आज तो सारी रात से बारिश हो रही है और अभी तक हो ही रही है, और लगता है बंद भी नहीं होगी, क्योंकि देखिए पानी में वो जो बबल्स उठ रहे हैं कैमरे में तो अच्छे से नज़र ही नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे बबल्स पानी में उठ रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा बोला जाता है कि जब बारिश आती है और उस पानी में बबल्स उठते हैं तो बारिश बहुत तेज़ आने वाली होती है, तो इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि आज बहुत और भी तेज़ बारिश आएगी, अभी बंद नहीं होने वाली है। तो देखो अब क्या होता है, अब मेरी अंदर की तो लगभग क्लीनिंग हो गई है। तो देखिए अंदर सिर्फ मैंने डस्टिंग वगैरह करी, और देखिए सिर्फ मैंने ये जो भी बिखेरा था वो सब समेटा, डस्टिंग की, झाड़ू वगैरह लगा दिया, तो भी मेरा घर कितना क्लीन मुझे लग रहा है।
किचन में अभी बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी और फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो ये देखिए हमारा ड्राइंग रूम भी अच्छे से क्लीन लग रहा है। वैसे तो अब पोछे की ज़रूरत नहीं लग रही है, फिर भी मैं लगवाऊँगी। अभी तो सिर्फ नीचे नीचे का काम हुआ है, अभी ऊपर का काम मेरा बाकी है और खाना वगैरह भी बनाना है। तो इतना करने में मुझे अभी 1-2 घंटे और लग जाएंगे। तो इसीलिए मैंने दुकान पे हमारे जो भैया काम करते हैं उनके लिए बोला था इनको कि आप अगर उन्हें भेज सको तो भेज देना। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है भेज दूँगा। तो वो भैया आएँगे और पोछा मैं उनसे लगवा दूँगी तो थोड़ी सी मुझे हेल्प मिल जाएगी। तो अब मेरा जो बाकी का काम है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब मैं क्लीन कर रही हूँ मेरा वॉश बेसिन और ये न्यू पता नहीं इन ड्रॉर्स में क्या ढूंढ रही थी। इसका कुछ ना कुछ चालू ही रहता है, पता नहीं क्या ये करती रहती है। कभी ये सामान निकाला, कभी वो निकाला और कुछ ना कुछ लेके बैठी रहती है। तो वो सब मैंने कर दिया। उसके बाद मैं अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी, जो पत्ता गोभी होती है उसकी सब्ज़ी। तो पहले मैं वो साफ़ कर लूँगी और उसके बाद मैं किचन में पहले आटा लगा दूँगी और सब्ज़ी फ्राई कर लूँगी और फिर मैं धो दूँगी सारे ही बर्तन। और तब तक मैं उन भैया को भी बुला लूँगी, तो जब तक मैं रोटी बनाऊँगी तब तक वो भैया पोछा लगा लेंगे। तो मैं कर रही हूँ पहले सब्ज़ी फ्राई। तो आप पीछे देख रहे होंगे वो तांबे के जो घड़े पड़े हुए हैं उनको, वो कितने गंदे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मैं इनको मिनटों में ही चमका दूँगी। ना मुझे ज़्यादा इन्हें घिसना पड़ेगा, ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसका मैं एक सॉल्यूशन बनाऊँगी और वो एकदम क्लीन हो जाएंगे। तो वो सॉल्यूशन मैं क्या बनाती हूँ वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगी। और अगर आपको लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत है या मुझे वो शेयर करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं आपके साथ वो सॉल्यूशन बनाना ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं फ्राई कर रही हूँ सब्ज़ी, उसके बाद मैं लगा लूँगी आटा और फिर मैं सारे ही बर्तन क्लीन कर दूँगी। तो मेरे किचन क्लीनिंग का काम हो जाएगा। मैंने वो सॉल्यूशन बना दिया और मैं साफ़ कर रही हूँ ये गड़ा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको बताया था कि कितना गंदा ये हो रहा था और मुझे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कोई स्क्रबर भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने नॉर्मल सी एक प्लास्टिक की थैली ली है और उस पर वो सॉल्यूशन लगाया है और हल्के हल्के हाथों से 2-3 बार अच्छे से घीस लिया है। और आप देख सकते हैं ये कितना चमक गया है, बिल्कुल भी गंदा ये नहीं रहा है। तो मैंने अंदर बाहर दोनों तरफ से इसे क्लीन कर दिया है और अब मैं इसे साफ़ पानी से धो रही हूँ और फिर आप देखिए इसका रिज़ल्ट, एकदम ये क्लीन हो जाता है। तो आप इस तरह से तांबे पीतल के बर्तन इजीली चमका सकते हैं। देखिए ये बड़ा वाला घड़ा भी मैंने क्लीन कर दिया है, बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। तो उसके बाद मैं ये जो सिंक है और सिंक के पास का जो भी एरिया है वो सब मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी और फिर मैं बनाऊंगी पराठे। और मैंने हस्बैंड को कॉल भी कर दिया था कि भैया को भेज दे ताकि वो नीचे का पोछा मेरा लगा दे, उसके तब तक मेरी रोटी भी बन जाएगी और फिर मैं ऊपर चली जाऊंगी। तो हम दोनों मिलके फिर ऊपर की क्लीनिंग भी अच्छे से कर लेंगे। तो मैं बना रही हूँ पराठे, गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी उसके साथ पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं पराठे बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड का मुझे टिफ़िन लगाना पड़ेगा क्योंकि पापा नहीं है तो शॉप पे कोई रहेगा नहीं, तो उनके लिए टिफ़िन ही भेजना पड़ेगा क्योंकि वो खाना खाने नहीं आ सकते। जब पापा होते हैं तो ये दोनों एक एक करके खाना खाने घर पर ही आ जाते हैं, तो मैं साथ के साथ टिफ़िन भी भरती जा रही हूँ। और जब भैया शॉप पर जाएंगे तो उनके साथ ही मैं टिफ़िन भेज दूँगी।
2-3 दिन से मम्मी भी घर पे नहीं थी, इसीलिए मेरा काम इतना सारा बढ़ गया। और आज भी वो आने वाले थे लेकिन नहीं आए, तो सारा ही काम मुझ पे रह गया। अगर वो होते तो इतना सारा काम मुझे नहीं करना होता। तो मैंने इस तरह से एक एक करके अपना काम निपटाती गई और लगभग मेरी क्लीनिंग हो गई है। तो मैं अब साथ के साथ ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मैं किचन में पोछा लगा दूंगी। किचन में पोछा मैं खुद ही करूंगी, तो आज मैं मॉप से पोछा नहीं लगा रही हूँ। मैं नीचे बैठ के पोछा लगा दिया ताकि अच्छे से जो फर्श है वो क्लीन हो जाए। तो मैंने किचन में भी पोछा कर दिया है और बाहर का पूरा पोछा भैया ने लगा कर दिया था। तो मैंने अपने जो कपड़े वॉश किए थे वो ड्राई भी कर लिए, तो वो कपड़े मैं बाहर निकाल दूंगी। बीच में लाइट चली गई थी इसलिए मेरा काम थोड़ा रुक गया था, वरना कपड़े तो कब से ही वॉश हो गए थे। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है इसलिए मुझे कपड़े सुखा के और फिर मैं थोड़ी देर पंखा चालू कर दूंगी तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, वरना तो 2-3 दिन तक कपड़े सूखेंगे ही नहीं। चाहे मैंने उन्हें ड्राई कर लिया है फिर भी नहीं सूखेंगे, क्योंकि मौसम बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है, बहुत तेज़ बारिश यहाँ पर हो रही है। तो मैंने कपड़े भी मशीन से निकाल दिए और नीचे का सारा काम कंप्लीट करके हम लोग ऊपर आ गए। और ये देखिए इतने सारे बलून्स, जब मैं मायके गई थी उससे पहले मेरे देवर जी आए थे और वो डॉक्टर बन गए हैं, तो डॉक्टर बनने के बाद वो पहली बार हमारे घर पे आए थे, तो इसलिए हमने उनके लिए छोटा सा वेलकम के लिए हमने सरप्राइज़ दिया था उन्हें, तो उसके लिए मैंने डेकोरेशन किया था। उसका वीडियो भी मैंने शूट किया था लेकिन मैं मायके चली गई थी और वहाँ पे फिर मैं उसकी एडिटिंग भी नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ मैं जाने के बाद नियू मुझे छोड़ती ही नहीं है, हमेशा मेरे साथ की साथ ही लगी रहती है, तो मैं उसकी एडिटिंग नहीं कर पाई और वो मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो वो वीडियो भी मैं आगे आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मैंने ये जो सब डेकोरेशन किया था वो वैसा का वैसा ही था और बलून्स भी रखे हुए थे तो वो सारे मैंने फोड़ दिए, और जो मैंने डेकोरेशन किया था वो सब मैंने निकाल के हटा दिया और टेबल्स वगैरह सब उनकी जगह पे फिर से रख दिए। और ये जो बलून फूटे हुए हैं, मतलब जो कचरा है वो मैंने साफ़ करने का काम न्यू को दिया है। उसको मैंने एक पॉलीथीन दे दी है और उसको बोला है कि ये सारे तू इसमें भर दे, तो वो देखो बेटी बेटी भर रही है, इसको बहुत मज़ा आ रहा है। तो इसने 2-3 बार थैली में भर के और फिर से खाली भी कर दिए थे और फिर से भरे भी थे, लेकिन हाँ उसने कर दिया था ये काम मेरा। तो इस तरह से मैं अपने साथ साथ उसे भी थोड़ा सा बिज़ी रखती हूँ, तो मेरा काम भी ईजीली हो जाता है और वो भी बिज़ी रहती है तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है। तो ऊपर का पोछा भी भैया ने कर दिया है, वो कर रहे हैं साथ साथ, और मैं सुखा रही हूँ कपड़े। और उसके बाद मैं फ़ैन ऑन कर दूंगी और 2-3 घंटे फ़ैन चलने दूंगी तो ये कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, और ओवरनाइट में इन्हें सूखने दूंगी तो ये सुबह तक तो अच्छे से ये सूख ही जाएंगे। और उसके बाद मैं आयरन कर दूंगी इन पे, तो बहुत अच्छे से कड़क हो जाएंगे कपड़े। तो देखिए इतने सारे कपड़े हैं, पूरे रूम में कपड़े ही कपड़े हो गए हैं। तो इसी के साथ मेरा काम ख़त्म हो गया है। तो क्लीनिंग का काम तो मेरा हो गया है, अब बाथरूम क्लीनिंग बाकी है, न्यू का नहलाना बाकी है अभी, लेकिन लाइट चली गई है तो अब पानी गर्म नहीं होगा, इसलिए टाइम भी हो गया है 12:30 होने आए हैं। अब भूख भी बहुत जोर से लगी है तो मैं लेके आ गई हूँ खाना, तो मैं न्यू को भी खाना खिला दूँगी और मैं भी खाना खा लूँगी। उसके बाद अगर लाइट आ जाएगी तो मैं इसको नहला दूँगी, वरना फिर हम ऐसे ही सो जाएंगे और फिर उठ के मैं ये सब काम करूँगी। तो आज का मेरा ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।